हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग एक जगह घूमने के लिए आए हैं जो कि भागलपुर का पहाड़ी इलाका है। और कितना ऊंचा पहाड़ है जाकर अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग नहीं बनाया था, तो फाइनली आज हमारा ब्लॉग आएगा। और यहाँ पर एक काफ़ी फेमस मज़ार भी है, और इस मज़ार का नाम मुझे भी नहीं पता है, जाकर दिखाऊँगा। इधर से देख सकते हैं काफ़ी ऊँचा में मज़ार बना हुआ है। और यहाँ पर RTPS, पता नहीं ये कौन से विभाग है, मुझे भी नहीं पता है। और मेरे पीछे जस्ट जो है एक जो है तालाब भी है, जो कि एक तालाब है। और इस तालाब में जो कि नाली का पानी आता है, नाली का पानी आकर यहाँ पर भरता है। अभी जो है ऊपर जा रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर ही जो मज़ार बना हुआ है। तो मैं बेसिकली मज़ार का दर्शन नहीं करने आया हूँ, मैं घूमने के लिए आया हूँ। और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कितना ऊंचा मज़ार है। अभी जो है इवनिंग टाइम हो रहा है और मौसम भी काफ़ी सुहाना है। कैमरा में थोड़ा बहुत आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुहाना मौसम है। तो देख सकते हैं कितना ऊँचा है, और ये भागलपुर में स्थित है। तो गाइस ये है ऊपर चढ़ने का, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अभी हम लोग यहाँ पर फोटो वगैरह लेंगे। तो इसके ऊपर चढ़ने का जो कि ये सीढ़ी है, यहाँ से जो है चढ़ने का है, यहाँ से जो है वहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से होकर आपको दिखेगा ऊपर, आपको मज़ार तक पहुँचा देगा। और जस्ट जो कि पीछे से आपको, जस्ट पीछे जो कि पोखर है, तालाब है, जो कि मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं सामने का मंजर मज़ार का, जो कि एक तालाब है। और ये इस तालाब में जो है नाली का पानी आता है, नाली का पानी आकर यहाँ पर भर जाता है। आपको साइड साइड का जो कि मंजर दिखा रहा हूँ इधर से, और जो कि ये पहाड़ के नीचे का मंजर है। यहाँ पर जो है कभी कभार जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होती है, लेकिन अभी भीड़ उतनी नहीं है। चलिए मैं अब आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ। ऊपर जा रहा हूँ तो बने रहिए वीडियो में। किसका मज़ार है मुझे भी नहीं पता है, और कहीं नाम भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है जिस बाबा का जो है लोग दर्शन करने आते रहते हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखे हैं। और मैं आपको जो है इस मज़ार के चारों तरफ का भी वीडियो दिखाया हूँ, और इसके चारों तरफ का जो है, और इसके चारों तरफ मज़ार ही मज़ार है। यहाँ पर भी एक मज़ार है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी एक मज़ार है। और मज़ार का दर्शन करना चाहिए कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है। मुझे तो पता है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग मानते नहीं। यहाँ पर जो है औरतें, इसी तरह मर्द भी आते रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जो है इस मज़ार का चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ, कितना अच्छा है। ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पर ये मज़ार बना हुआ है। यहाँ पर लोग ऐसे घूमने फिरने भी आते रहते हैं, और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं इवनिंग टाइम में। और इधर जो है जंगल झाड़ी है, और डेंजरस भी है, सांप वगैरह भी हो सकता है। और सामने जो है एक टैंक है। तो यहाँ आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, चारों तरफ का जो व्यू है, लुक है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। लेकिन मज़ार मैं आपको ऐसे ही दिखा दिया हूँ, मज़ार पर मैं दर्शन करने के लिए नहीं आया था। यहाँ देख सकते हैं भाई लोग जो है कैमरा से वीडियो शूट कर रहे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और हमारे साथ इम्तियाज़ भाई है, कैसे लग रहा है भाई? सब ठीक है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है।
अभी जो है भागलपुर, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बहुत गलत है। उनके ये भाई कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये बहुत गलत बात है जो किसी मतलब मजार को चूमने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। ये इनका कहना मतलब है कि अच्छी बात नहीं, नहीं आना चाहिए। जो इंसान मर जाता है मरने के बाद, उनके अंदर क्या एनर्जी रहता है कि किसी को मदद कर सकता है, नहीं कर सकता ना, फिर भी लोग आते हैं, उनके मन्नत मांगते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, नहीं आना चाहिए। हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए ज़ियारत के लिए, बट हमें जो है किसी मज़ार पर नहीं आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सारी बातें तो हम लोग इतने स्पष्ट से कह नहीं सकते हैं, तो चलिए इधर का भी लोग देख लीजिए आप लोग। गाइज, यहाँ पर एक मस्जिद भी है, काफ़ी ख़ूबसूरत मस्जिद है, और यह मस्जिद जस्ट मज़ार के पीछे है, और मज़ार के पीछे का लुक का जो नज़ारा है काफ़ी ख़ूबसूरत है। अभी जो है उतनी लाइट नहीं है, शाम हो चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी ख़ूबसूरत नज़ारा है। और मज़ार के चारों तरफ पेड़ पौधे ही है, इधर भी आप देखेंगे पेड़ पौधे ही आपको नज़र आएंगे, और इधर काम चल रहा है। ये जो जगह है एकदम बिल्कुल नीचे से आपको टीला जैसा लगेगा, अगर वहाँ कोई गिर जाए कोई इंसान, तो डायरेक्ट नीचे गिरते गिरते जो है डायरेक्ट नीचे जाएगा, उसका कोई ख्याल नहीं यहाँ पर आकर रुकेगा। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ही इधर आइएगा, अगर फिसल जाएंगे तो डायरेक्ट नीचे आप चले जाएंगे। थोड़ा सा डेंजरस भी है ये जगह। तो ये है चारों तरफ। तो गाइस, अब सोच रहा हूँ कि ब्लॉग एंड करूँ, अभी थोड़ा सा जा रहा हूँ तालाब की तरफ, वहाँ पर लोग मछली मार रहे हैं, थोड़ा देखेंगे, आपको भी दिखाऊँगा, उसके बाद ब्लॉग एंड करूँगा। तो आप लोगों को कैसे लग रहा है ये ब्लॉग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को जगह जगह जाकर यहाँ पर वीडियो दिखाता हूँ, और पब्लिक सिटी में वीडियो बनाना जो कि काफ़ी मुश्किल काम होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब में क्या जाता है, आप लोग उसे सब्सक्राइब करना चाहता हूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार आए हैं, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको देखने को मिले। ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर लोग मछली मार रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मछली कैसे पकड़ते हैं लोग। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे मछली पकड़ना भी, देखो मछली पकड़ना भी एक कला है। गाइस, थोड़ा नीचे आ चुका हूँ, और आपको एकदम नज़दीक से दिखाता हूँ पानी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली है। मैं सोचा था कि यहाँ पर लोग मछली मार रहे होंगे, पर मछली नहीं मार रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, और इधर जो है लोग कपड़े भी धुल रहे हैं। मछली देख सकते हैं, आपको बैक कैमरा से ज़ूम करके दिखाता हूँ, मछली भी यहाँ पर, बस मोबाइल ना जरूर है, लोग देख रहे हैं, नहा भी रहे हैं, लेकिन पानी तो बहुत ज़्यादा गंदा भी है। तो गाइस, आपको बहुत कुछ दिखाया हूँ यहाँ का, और यहाँ पर मैं ब्लॉग एंड करता हूँ। और इस मज़ार का नाम मैं किसी से पूछा हूँ, शाहजंगी मलंगी के नाम से है पीर बाबा, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, यही है मैं सुना हूँ। तो जो भी है मैं एड्रेस आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आकर आप लोग घूम सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तब फिर मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में।